आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग दाल खिचड़ी, जो कि बिल्कुल ही सादा और प्लेन है, जैसे कि आप अपने घर में बनाते होंगे। पहले मैं गरम मसाला डालती हूँ, दालचीनी, लौंग, इलायची, अब मैं सूखा लाल मिर्च और अब प्याज डालती हूँ। हल्का लाल होने तक के इसे लाल करेंगे। थोड़ा काली मिर्च, बिल्कुल सादा खिचड़ी है बट इसमें बहुत ही ये अलग और टेस्टी और यम्मी बनाऊंगी मैं, जो कि आपके बच्चे बड़े ही शौक से खाएं। अब मैं इसमें मूंग दाल डालूंगी, जो कि पहले से मैंने इसे भून करके रखे हैं। इसे थोड़ा मैं चला लेती हूँ, उसके बाद मैं इसमें चावल जो कि मैंने धो करके रखे हैं, कच्चा चावल है ये, अब मैं नमक डालूंगी स्वाद के मुताबिक। इसे मैं प्रेशर कुकर में 3 सीटी के लिए गलाऊंगी। अब मैं अपना खिचड़ी को देखती हूँ कि ये कंप्लीट हुआ या नहीं। ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। इसका नमक देखती हूँ, नमक भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें मैं एक अलग चीज डालूंगी, ढेर सारा चीज डालूंगी। चीज मेल्ट होने तक के मुझे हिलाना है। अब हमारा खिचड़ी बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब इसे ढककर चूल्हे को मैं बंद कर देती हूँ। चलिए अब मैं चलती हूँ अपने दूसरे डिश की तरफ। दूसरा डिश जो कि हमारा सब्जी है, सब्जी फूलगोभी। फूलगोभी का मुसल्लम मैं बनाने जा रही हूँ। फूलगोभी को मैंने हल्का गर्म पानी में नमक और हल्दी दे करके थोड़ी देर के लिए मैंने छोड़ दिया था। अब उसका मैं मैरिनेशन करती हूँ। मैरिनेशन करने के लिए मैं अलग पैन लेती हूँ, जिस पैन में पकाना है मैं उसी में मैरिनेट करूँगी। पहले मैं हंकट दही देती हूँ, अदरक लहसुन पेस्ट, काजू जो कि मैंने पीस करके रखे हैं, वन टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, इसमें मैं फूड कलर थोड़ा सा दूंगी। अब मैं थोड़ा नमक देती हूँ, इसको अच्छे से मिला लेना है। वन टी स्पून चीनी,
अब मैं इसमें तेल डालूंगी। आप घी से भी इसे पका सकते हैं, मैं तेल से बना रही हूँ, आप घी से भी इसे बना सकते हैं। अब इसमें मैं मावा डालूंगी। चलिए अब मैं फूलगोभी डालती हूँ इसमें। इसको इस तरह से इसमें सारे मसाले डालना है। ताकि सारा फ्लेवर इसमें आ जाए। इसी पैन में मुझे पकाना है। इसे इसी तरह से ढक करके मैं गैस में चढ़ा दूंगी। अब इसे मैं ढककर गैस में चढ़ाऊंगी। अब हमारा गोभी मुसल्लम बिल्कुल तैयार हो गया है। इसमें एक और चीज जो कि हमें डालना है, केसर मैंने दूध में भिगो कर रखे हैं। और इसमें मीठा इतर जो कि बाजार में बिल्कुल आसानी से मिल जाता है, दो बूंदा डालूंगी ताकि इसका फ्लेवर बिल्कुल उभर कर आए। अब इसे मैं ढक देती हूँ, थोड़ा उबाल आने तक के इसे मैं पकाऊंगी। अब मैं गर्मा गर्म खिचड़ी और मुसल्लम की प्लेटिंग करती हूँ। अब मैं गर्मा गर्म मुसल्लम जो कि इसके ऊपर सजाऊंगी। ऊपर से थोड़ा ग्रेवी डालूंगी। अब मैं खिचड़ी का बघार जो कि मैंने घी में मखाना, बादाम और किशमिश को फ्राई करके रखे हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर गरम मसाला पाउडर दूंगी। आइए अब हमारा खिचड़ी मुसल्लम तैयार है।